External Affairs Minister Sushma Swaraj on Monday said the government of India is working on a method to allow NRIs to vote for a candidate they prefer in the constituency. Speaking at a function in New Delhi, the minister said the proposal is under the consideration of Election Commission of India. इस दिशा में इलेक्शन कमीशन कार्य कर रहा है. प्रवासी भारतीय मंत्रालय ने इलेक्शन कमीशन को बोला और उनके जेरे गौर है ये चीज और रास्ता निकाला जा रहा है क्योंकि दो तीन इसमें सुझाव आए. एक आया कि एम्बेसीज में ईवीएम रख दी जाए और वो लोग आकर के एम्बेसी में वोट करें. एक आया कि प्रॉक्सी वोटिंग का अधिकार दे दिया जाए कि वो अपनी बजाय किसी दूसरे व्यक्ति को यहाँ लिख कर दे दें और उसको ये दे दें. और तीसरा ये कि वो यहाँ आकर के वोट करें. अभी तक कोई निर्णय इलेक्शन कमीशन नहीं ले सका है लेकिन ये तीन तरह के सुझाव हैं जिसमें ये असुविधा जो उन्हें यहाँ आकर वोट देने की होती है इसका हल निकला है और मुझे लगता है जल्दी इसका हल निकलेगा. The 13th Pravasi Bharatiya Divas will be held from January 7 to 9 in Gandhinagar, Gujarat. Powered by NNIS.